प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है सिक्स क्लास का जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, सिक्स क्लास के ऊपर होने वाला है। तो जो सिक्स क्लास का हमारा जो चैप्टर है यानी इंटीजर और हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं, इसके ऊपर होने वाला है आज की इस वीडियो में। बेटा आपको जो NCERT बुक की जो लेटेस्ट या न्यू सिलेबस की जो एक्सरसाइज है 6.1, इसके सभी क्वेश्चनों को एक सिंपल तरीके से और कॉन्सेप्ट के साथ में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है बेटा, राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनके हमें ऑपोजिट स्टेटमेंट्स लिखने हैं। इंक्रीज इन वेट और 30 किलोमीटर नॉर्थ और 80 मीटर ईस्ट और लॉस ऑफ रुपीज 700 और 100 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है बेटा। आप जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का यानी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका मिल जाएगा। अगर नहीं देखिए तो कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ बेटा, हम अपनी डेली लाइफ में कई सारी ऐसे सिचुएशंस देखते हैं जहाँ पे उनके अपोजिट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ इंटीजर वाले चैप्टर में क्या करते हैं कि अगर हमारा वो एक सिंपल है और उसके अपोजिट को हम नेगेटिव इंटीजर से शो करते हैं, यानी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर से उसके डायरेक्ट को यानी सिंपल को शो कर रहे हैं तो उसके अपोजिट को उसके नेगेटिव इंटीजर से शो करते हैं या उसका नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड होते हैं, बस हमें उनको उल्टा करना पड़ता है, बस उसका अपोजिट मिल जाता है। जैसे इंक्रीज का अपोजिट होता है डिक्रीज होता है ना। यहाँ पे नॉर्थ है तो डायरेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको पता होगा बेटा, ये होती है हमारी नॉर्थ, ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट होती है। ये पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव लेते हैं हम, ये नेगेटिव साइड और ये होगी हमारी नेगेटिव। तो नॉर्थ का जो ऑपोजिट है वो साउथ है। अगर नॉर्थ को पॉजिटिव माना है तो हम इंटीजर से शो करेंगे साउथ को नेगेटिव इंटीजर से। ईस्ट को अगर पॉजिटिव इंटीजर माना है तो मतलब कोई भी डायरेक्शन है या डिस्टेंस है, तो अगर ईस्ट में पॉजिटिव है तो वेस्ट में क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। प्रॉफिट का जो अपोजिट होता है वो लॉस होता है। अगर बैंक में अमाउंट को डिपॉजिट कर रहे हैं तो पॉजिटिव होती है, जबकि विड्रॉल कर रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, है ना। जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से अबव है तो पॉजिटिव कंसीडर करा जाएगा यानी पॉजिटिव इंटीजर से शो करा जाएगा, और 0 डिग्री से बिलो है तो उसको नेगेटिव। सिमिलरली सी लेवल की बात करें तो सी लेवल से अबव को पॉजिटिव हाइट कंसीडर करा जाता है और बिलो को यानी डेप्थ को नेगेटिव हाइट मानेंगे, ठीक है। तो ये कुछ वो थे। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ चीज़ों की। तो सबसे पहले हम आते हैं बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं ए का। तो सॉल्यूशन देखिए, हमें ऑपोजिट लिखने हैं तो यहाँ लिखना है इंक्रीज इन वेट, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, डिक्रीज इन वेट। क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज इन वेट। बी हो गया हमारा 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ का ऑपोजिट हो गया साउथ, तो क्या लिखेंगे, 30 किलोमीटर साउथ, ठीक है। इसी के सी पार्ट की बात करें, 80 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो 80 मीटर वेस्ट लिख देंगे। फिर डी पार्ट को देखें बेटा, लॉस ऑफ रुपीज 700, तो क्या लिखेंगे, यह हम दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं बेटा, गेन या प्रॉफिट, दोनों का मीनिंग यानी ये सिनोनिम से यानी सेम है। तो गेन ऑफ रुपीज 700। नाउ जो ई पार्ट है वो कहता है 100 मीटर अबव सी लेवल, तो यहाँ पे कीवर्ड आ गया अबव, तो बस इसका ऑपोजिट बना देंगे हम, 100 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे ऑपोजिट थे कुछ हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज द इंटीजर, यानी जो नीचे दिए हुए हैं स्टेटमेंट हैं और इनको हमें इंटीजर से शो करना है, ठीक है, एज ए इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन, और हमें साइन का भी यूज़ करना है। तो हम यूनिट यूज़ करें ना करें, बट उसके लिए हमारे को इंटीजर लिखना है यानी वो नंबर लिखना है यानी उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, और उसके आगे उसका साइन प्लेस करना है कि भाई प्लस आएगा या माइनस इंटीजर से शो करा जाएगा। तो बहुत इजी है, क्वेश्चन को करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है,
यानी सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड के लिए हम क्या करेंगे, कितनी हाइट है 2000 मीटर, तो 2000 मीटर में हो गई और अबव द ग्राउंड के लिए हमने प्लस का यूज़ करा। बी पार्ट में कहते हैं अ सबमरीन, सबमरीन जो पानी के नीचे पनडुब्बी होती है, सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। तो 800 बिलो का मतलब क्या हो गया बेटा, -800, ये इंटीजर से शो करेंगे, बिलो का मतलब माइनस साइन से। नेक्स्ट हो गया हमारा सी पार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ देखो आप, अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 200, बैंक में डिपॉजिट करा तो डिपॉजिट को हम पॉजिटिव लेते, तो प्लस क्या आएगा 200 आएगा। और डी हो गया हमारा विड्रॉल ऑफ रुपीज़ 700, अगर हम विड्रॉल कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव इंटीजर से शो करा जाएगा, तो 700 विड्रॉल है तो ये आ जाएगा हमारा 700, ठीक है। तो ये 700 आ जाएगा, वो भी बस माइनस में लगा देंगे क्योंकि वो विड्रॉल करा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, ये कुछ नंबर दे रखे हैं इन्हें हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें नंबर लाइन के ऊपर। पहला है प्लस 5, तो एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं बेटा, ठीक है, ये नंबर लाइन हमने बना दी, ठीक है। आप डेटा इसके ऊपर अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको प्लस 5 को रिप्रेजेंट करना है तो भाई 0 के राइट साइड में ही होगा, प्लस 5 है तो कम से कम प्लस 5, और कुछ जो पॉइंट्स हैं वो 0 के लेफ्ट वाले भी लेंगे जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बेटा इसको, ये 0 तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, माइनस, ठीक है। अब प्लस 5 कहाँ आता है बेटा, ये रहा। तो एक तो हम ये काम कर सकते हैं, इसके आगे इनसर्कल कर सकते हैं इसे, इस तरीके का मार्क, एनसीईआरटी इसको एक एरो के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर रही है तो हम एक एरो का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बीच में किसी एक क्वेश्चन में एरो का भी यूज़ करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। बी हमें -10 को रिप्रेजेंट करना है, तो -10 जो होगा वो 0 के कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, तो यहाँ हम 0 को थोड़ा इधर की तरफ ले लेते हैं 0, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक, ज़्यादा ले लो बस, कम नहीं यूज़ होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो -10 यहाँ आएगा, तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं एरो का यूज़ करके, ठीक है। या तो हम उसको एनसर्कल या कोई ओवल टाइप की शेप दे दें उसको, मतलब एक हाईलाइट कर दें, या हम एरो का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक बेस्ट मेथड है, एनसीईआरटी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सी पार्ट में क्या हो गया बेटा, यहाँ हमें शो करना है प्लस का 8 को, तो यहाँ बना लेते हैं बेटा, तो 0 को हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये माइनस, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा प्लस का 8 है उससे ज़्यादा ले सकते हैं, कम तो ले नहीं सकते, फिर वो रिप्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे एन सर्कल कर देता हूँ, ठीक है बेटा, तो ये रिप्रेजेंट हो गया। अब नेक्स्ट है ए बी सी डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो डी पार्ट कहता है -1, तो ये तो बड़ा सिंपल सा ही हो गया आपके लिए, -1 तो ये 0 हो गया, 1 2 3 ले लिया, ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 1 2 3
फोर ए माइनस 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 वन टू थ्री, तो माइनस वन ही आ गया हमारा, ठीक है ही आ गया। नेक्स्ट है माइनस का सिक्स, तो यहाँ हम ए पार्ट को यानी माइनस के सिक्स के लिए ये बनाते एक लाइन सी बना लेते हैं, ठीक है। तो माइनस सिक्स है तो जीरो का लेफ्ट में होगा, तो यहाँ हमें जीरो कुछ इस साइड में बना लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन माइनस 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 माइनस, वन टू थ्री फोर फाइव, तो माइनस सिक्स आ गया हमारा, ये आ गया, ठीक है। तो हम एरो का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह का डायग्राम या सर्कल, तो मैं सर्कल ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, और एनसीईआरटी में एरो तो आपकी चॉइस है, बस हमें वो मतलब एक तरीके से पिन करना है, उसको समझाना है कि भाई यहाँ पे हाईलाइट करा है हमने उस इंटीजर्स को, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, आप पहले इनको नोट कीजिए फिर मैं अगले क्वेश्चन को कराता हूँ। चलिए बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कहता है क्वेश्चन नंबर फोर, एडजेसेंट फिगर इज वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। यहाँ पे एक फिगर है जो एक वर्टिकल लाइन है, वैसे तो हम हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी एक लेटी रेखा के थ्रू नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी इंटीजर्स को, लेकिन यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइंस पे इंटीजर को रिप्रेजेंट करा जा रहा है, बिल्कुल एक साफ नज़र आ रहा है डायग्राम के अंदर। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, और हमें इन जो नीचे बोला गया है पॉइंट्सों के बारे में उनको लोकेट करना, उनके बारे में हमें बताना है। तो चलिए पहले, ए पॉइंट डी इज प्लस एट, देन विच पॉइंट इज माइनस एट, तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो, कह रहा है कि अगर डी प्लस एट है, देखो जीरो है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है प्लस एट है, तो विच इज माइनस एट, तो जीरो से बिलो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो ये आ जाएगा एफ, ठीक है। बी पे आते हैं, इस पॉइंट जी इज ए नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर, जो जी पॉइंट है यानी जो लेटर से रिप्रेजेंट करा है कैपिटल लेटर से जी पॉइंट को, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें देखना है कि जीरो के जो राइट में होते हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव, और जीरो के लेफ्ट में होते हैं वो नेगेटिव, लेकिन जब वो इंटीजर रिप्रेजेंट करे जाएँ वर्टिकल लाइन के थ्रू, तो जीरो से अबव वाले पॉजिटिव होते हैं और बिलो वाले नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर देखो जीरो से बिलो है जी, तो ये क्या आएगा, ए नेगेटिव इंटीजर लिख सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है बेटा, सिंपल हो गया। अब आ जाते हैं हम सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये कहता है राइट द इंटीजर फॉर द पॉइंट्स बी एंड ए। बी के लिए, बी क्या है बेटा, यहाँ पे देखते हैं ये पॉइंट है, तो यहाँ से जीरो से काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर, तो बी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा प्लस के फोर को, ठीक है, और जो ई है ई का यहाँ पे, तो जीरो से को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो जो ई है वो रिप्रेजेंट करेगा माइनस का टेन, ठीक है। ए बी सी डी पे आते हैं बेटा, विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसमें सबसे छोटी यानी लीस्ट वैल्यू है सबसे कम, तो यहाँ पे जो सबसे कम वैल्यू जो मार्क करी जा रही है वो किस पॉइंट के द्वारा करी जा रही है, ई पॉइंट के द्वारा करी जा रही है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई, ठीक है। तो चलिए बेटा ई पार्ट क्या कहता है, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, तो सभी जो पॉइंट है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू पे वैल्यू के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है बेटा कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े का यूज़ करते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे और छोटा, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं हाईएस्ट वैल्यू को लिखते हैं, फिर उससे छोटी छोटी को लिखते चले जाते हैं, तो यहाँ हाईएस्ट वैल्यू प्लस एट में आ रही है, तो पहले लिख देते हैं हम ई को डी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा ए कॉमा ओ या ओरिजिन या जीरो होगा ये एच फिर जी और ये फिर एफ और ई। वैसे हम जीरो को या ना दिखाएं क्योंकि ये ओरिजिन माना जा रहा है, तो ओ से रिप्रेजेंट कर रहा है या जीरो ले लेते हैं इसको, ठीक है, ये ओरिजिन ही है, ठीक है, एक तरीके से तो ये ओ पॉइंट ही मान लेते हैं इसको, तो हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप जीरो कंसिडर कर रहे हो तो वो नंबर हो जाएगा इधर, तो आप ओ को इंक्लूड करो या मत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हमने क्योंकि ये सारा अल्फ़ाबेट में ही दे रखा है तो हम इसको ओ ही कंसिडर करेंगे यानी ओरिजिन मानेंगे, ठीक है, तो मैंने इसलिए रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या आता है बेटा, फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ द फाइव प्लेसेस इन इंडिया
ऑन ए पार्टिकुलर डे ऑफ द ईयर, एक निश्चित दिन पे, एक साल के निश्चित दिन में जो अलग अलग प्लेस हैं हमारे भारत के, उनके टेम्परेचर को नीचे दिखाया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये दिखा रखा है आपको इसके अंदर। तो पहला पार्ट पूछा, राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक्स। तो पहले जो प्लेस है वो सियाचिन है, और सियाचिन का टेम्परेचर है बिलो जीरो डिग्री, कितना, 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस कम है 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री से नीचे वाले टेम्परेचर को माइनस इंटीजर से, तो यहाँ लिख सकते हैं ब्लैंक्स में, यहीं लिख देता हूँ इसका सॉल्यूशन, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, शिमला का 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री अबव द 0 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस 30 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री अबव द 0 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस 20 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो यह 0 से कम है तो माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया, पहला पार्ट हो गया, मैंने वहीं ब्लैंक्स में ही उनको लिख दिया। चलिए बेटा, अब ए पार्ट को तो हमने स्टडी करा और हमने उसके जो प्लेसेस थे उनके टेम्परेचर को बता दिया कितना है। अब बी पार्ट में कहता है, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन ए डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। या सिटी या प्लेस जो भी है, हमें टेम्परेचर जो है उन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस लाइन पे उन सिटी के नाम लिखने हैं। तो पहला क्या है, सियाचिन, यानी जो सियाचिन का कितना टेम्परेचर है, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये 0, 5, और ये हो गया हमारा, एरो बना देता हूँ मैं, यहाँ हो गया, ये हो गया सियाचिन। ठीक है, दूसरा क्या है, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस है, वो भी शिमला का। तो देखो यहाँ पे 0 से लेकर मैंने 5 इक्वल यूनिट में डिवाइड कर दिया, हालांकि सबको डिवाइड कर सकते हो आप, लेकिन मैंने ज़रूरत के हिसाब से इसी को करा 0 से 5 में, तो 1, 2, तो यहाँ आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा 2 पे शिमला। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्लस 30 डिग्री सेल्सियस, वो है अहमदाबाद का, तो 30 डिग्री तो ये रहा भैया, तो यहाँ आ गया हमारा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, प्लस 20 डिग्री सेल्सियस, वो है दिल्ली का, तो 20 डिग्री तो यहाँ आ गया, तो हो गया दिल्ली आ गया। नेक्स्ट कह रहा है श्रीनगर का माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस 5 डिग्री सेल्सियस तो ये ही होगा हमारा, लेकिन मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको और एक्सटेंड कर देते हैं हम थोड़ा सा, ताकि अलग दिखे, तो ये हो गया श्रीनगर। ठीक है, तो ये सिटी के नाम हो गए। ये एक्सटेंड करने का मतलब बेटा हम नीचे भी शो कर सकते थे, लेकिन यहाँ मैंने वैसे शो करा। अब कह रहा है विच इज़ द सी पार्ट में, कह रहा है कूलेस्ट प्लेस, कूलेस्ट प्लेस वो होगा जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इस पार्ट को, सीखो। तो कूलेस्ट प्लेस क्या है, सियाचिन है, क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे कम, यानी माइनस 10 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या है सियाचिन, मैं लिख भी सकता हूँ जिसका टेम्परेचर बेटा यहाँ पे 10 डिग्री माइनस में है। ठीक है, फिर अगर राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस, जहाँ 10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, वो दो ही सिटी हैं, एक अहमदाबाद प्लस में और एक दिल्ली, तो यहाँ लिख देता हूँ डी पार्ट को, अहमदाबाद कॉमा लगा के दिल्ली। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, पहले आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा, अगले क्वेश्चन है आपकी बुक की एक्सरसाइज के, वो है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। ये कहता है कि यहाँ पे कुछ नंबरों के ना पेयर दे रखे हैं, ठीक है, और हमें बताना है कि इन पेयर में से एक नंबर ऐसा होगा जो दूसरे के राइट पे होगा, है ना। अगर नंबर लाइन पे अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक नंबर दूसरे नंबर के राइट में होगा। आपको पता है कि जो नंबर लाइन पे जो नंबर राइट में होते हैं किसी नंबर के, वो उससे बड़े होते हैं, और जो उससे उसी नंबर के लेफ्ट में होते हैं, वो उससे सभी छोटे नंबर होते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि विच नंबर इज़ टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो मैं पहले एक नंबर लाइन को ऐसे यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, कि अगर आप नंबर लाइन को देखें, तो यहाँ कहीं मान लेते हैं 0 है,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 माइनस 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 माइनस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितना हम इधर नंबर के इस साइड में जाते हैं जीरो के या किसी नंबर के, तो नंबर हमारे राइट में मूव करने पे इंक्रीज होते हैं, और जितना हम लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमें देखना है कि कौन सा नंबर राइट में, तो उन्होंने यहाँ पे पूछा पहला 2 और 9 में से, तो यहाँ लिखेंगे हम 9 इज द राइट ऑफ 2, ठीक है, राइट ऑफ 2 पे होगा, ठीक है ना, ऑन नंबर लाइन, ठीक है बेटा। कैसे, यहाँ 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आएगा 8 और ये आ गया हमारा 9 आएगा। तो देखो यहाँ 2 है और 2 के राइट में आ रहा है ना, तो ऐसे ही हमें बताना है, यानी जो नंबर बड़ा होगा वही राइट में आएगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो देखो बी पार्ट की अगर हम बात करें बेटा, -3 और -8 में से, तो देखो जब माइनस साइन पुट हो जाता है किसी नंबर के आगे तो वो उसकी वैल्यू को बिल्कुल ही रिवर्स कर देता है, मतलब छोटे वाले को बड़ा बना देता है, जिनका मैग्नीट्यूड छोटा होता है उनको बड़ा बना देता है, और जिन नंबरों का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है उनको छोटा बना देता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली -3 जो है -8 से बड़ा है, तो हम बोलेंगे -3 इज द राइट ऑफ -8। ऐसी अगर हम सी पार्ट की बात करें, 0 और -1 में से 0 बड़ा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 इज राइट ऑफ -1, ठीक है। डी पार्ट को हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं बेटा, -11 और -10 में से ऑब्वियसली 10 है, तो 10 इज द राइट ऑफ -11, ठीक है ना, ऑन द नंबर लाइन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर लाइन पे, ना भी लिखें तो भी वो समझा जाएगा, ठीक है। और ई पार्ट में क्या कह रहे बेटा, -6 और 6 में, तो जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, तो यहाँ प्लस का 6 इज द राइट ऑफ -6, ठीक है। एफ में बात करें यहीं से, बस आप जस्ट ये देख लो कौन सा नंबर बड़ा है, प्लस का तो ये 1 है और माइनस का 100 है, तो प्लस का 1 इज टू द राइट ऑफ -100 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपल था क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, बस हमें देखना था कौन सा पेयर में कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो जो बड़ा होगा वही तो ऑब्वियसली राइट साइड में होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द इंटीजर्स चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे कुछ नंबरों के पेयर दे रखे, जैसे ये रहा 0 और -7 है, -4 + 4 है, -8 - 15 यानी 15 है, -30 और -23 है। अब क्या करना है बेटा, ये जो नंबर के पेयर है यानी इंटीजर है बेसिकली, तो इन इंटीजरों के बीच में हमें नंबर लिखने हैं, तो बीच में हमें नंबर लिखना है, तो हम इनको तो इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इनके बीच वाले नंबरों को हमें लिखना है, प्लस उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो चलिए बेटा हम नंबर लिखते हैं कौन कौन से आएंगे। सॉल्यूशन ए पार्ट में कह रहा है कि 0 और -7 के बीच के इंटीजर लिखें, तो इनमें देखो छोटा नंबर कौन है, -7 है, तो -7 से और 0 के बीच में कौन कौन से आएंगे, ठीक है। -7 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो क्या आएगा, -6 -5 -4 -3 -2 -1 और देन 0, तो ये आ गए हमारे 0 और -7 के बीच के इंटीजर। इसके बाद में देखो बेटा
बी पार्ट कहता है माइनस चार और प्लस चार के बीच में, तो स्टार्ट करेंगे, छोटा माइनस चार है तो इससे बड़े कौन सा आएगा, माइनस तीन कॉमा माइनस दो कॉमा माइनस वन और जीरो, वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, थ्री, फोर को नहीं लिख रहा क्योंकि फोर यहीं आ जाएगा, ना इससे पहले लिखा जो है ही हमारे पास में। नेक्स्ट क्या है इसी का, सी पार्ट देखो बेटा, सी पार्ट में कहता है माइनस एट और माइनस पंद्रह। तो ऑब्वियसली मैंने बताया था अभी आपको कि माइनस साइन लगने से ही उस नंबर का यानी इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। यानी अगर बड़ा मैग्नीट्यूड है तो वो छोटा काउंट होगा माइनस की वजह से, और अगर मैग्नीट्यूड छोटा है तो वो माइनस की वजह से बड़ा काउंट होगा। तो यहाँ पे माइनस आठ और माइनस पंद्रह में से माइनस एट बड़ा है, तो ऑब्वियसली यहाँ छोटा ये हुआ, तो इससे छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो छोटा पंद्रह है तो इसके बीच में क्या आएगा, ये तो माइनस इससे बड़ा आएगा, माइनस फोर्टीन माइनस थर्टीन और कॉमा माइनस का ट्वेल्व आ गया, और क्या जाएगा बेटा, माइनस का एलेवन आ गया, माइनस का हमारा क्या जाएगा बेटा, टेन आ जाएगा, और माइनस का नाइन आ जाएगा, बस ठीक है। तो ये आ गया हमारा माइनस फोर्टीन माइनस थर्टीन कॉमा माइनस ट्वेल्व कॉमा माइनस एलेवन कॉमा माइनस टेन और माइनस नाइन। अब ये किन के बीच के आ गए, माइनस एट से, देखो माइनस एट और माइनस पंद्रह के बीच में डी जो है माइनस थर्टी और माइनस ट्वेंटी थ्री, तो छोटा कौन हो गया, माइनस थर्टी, तो माइनस थर्टी से हमें माइनस ट्वेंटी थ्री की ओर जाना है, तो क्या करेंगे, पहला होगा माइनस ट्वेंटी नाइन कॉमा, ठीक है, माइनस ट्वेंटी एट कॉमा माइनस हमारा ट्वेंटी सेवन आ गया, फिर माइनस ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव आ गया और माइनस ट्वेंटी फोर आ गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी हो गया इंक्रीजिंग और इनके बीच के नंबर भी ये आ गए, तो मैंने दोनों काम एक साथ ही कर दिए हैं यहाँ पे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इनके बीच के नंबरों को अलग लिख सकते हो, फिर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, ठीक है, ये डायरेक्टली हो गए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि एटवा क्वेश्चन कहता है कि राइट फोर नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन माइनस ट्वेंटी। तो पहला ए पार्ट में जो हमें लिखना है कि जो माइनस ट्वेंटी है उससे बड़े चार इंटीजर लिखने हैं, ठीक है। तो माइनस ट्वेंटी से बड़े चार इंटीजर हो गए, माइनस का नाइन्टी माइनस का एटीन माइनस का सेवनटीन और माइनस का सिक्सटीन। और बी पार्ट में क्या लिखना है बेटा हमें, राइट फोर इंटीजर लेस देन माइनस टेन, माइनस टेन से दस नंबर, माइनस टेन है उससे छोटे हमें चार नंबर्स लिखने हैं यानी इंटीजर्स लिखने हैं। तो वो आ जाएगा हमारा माइनस का अलेवन माइनस का ट्वेल्व माइनस का थर्टीन और माइनस का फोर्टीन, ठीक है। तो ये इससे छोटे हो गए माइनस टेन से, हम ऐसे भी डाल सकते हैं यहाँ पे, फोर इंटीजर्स ग्रेटर देन माइनस ट्वेंटी, फोर इंटीजर्स लेस देन माइनस टेन, ठीक है बेटा। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे, आप पहले जल्दी से इनको नोट कीजिए, मैं अगले क्वेश्चंस कराता हूँ। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन है आपकी बुक की एक्सरसाइज के, वो है क्वेश्चन नंबर नाइन, कहता है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें जो ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं मैथमेटिकल, तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सत्य है या असत्य है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स यानी असत्य होते हैं तो हमें उसका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट को भी लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखें आप पहले बेटा ए का, ए में क्या कह रहा है, माइनस एट इज द राइट ऑफ द माइनस टेन ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है देखो बेटा, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर लाइन की बात करें तो जैसे जीरो ये रहा वन टू थ्री, ये पॉजिटिव नंबर हो गया वन टू थ्री फोर, या नेगेटिव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, माइनस 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 माइनस, बड़ा छोटा सा माइनस लगा। तो अगर आप देखो माइनस
नाइन तक है, चलो पूरा ही टेन ही लिख देता हूँ मैं, माइनस टेन, तो माइनस जो एट है वो माइनस टेन के राइट में, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमें कोई भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। बी वाले पार्ट पे मूव करते हैं, कहता है माइनस हंड्रेड इज़ टू द राइट ऑफ माइनस फिफ्टी। भाई अगर हम ऐसी मूव करते जाएं तो पहले माइनस फिफ्टी आएगा है ना, और फिर माइनस हंड्रेड आएगा, तो माइनस हंड्रेड तो बाद में आएगा, और माइनस जो हंड्रेड है वो राइट में नहीं है, राइट टू द माइनस फिफ्टी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि माइनस फिफ्टी जो है वो राइट ऑफ क्या होगा हमारे, माइनस हंड्रेड के होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिखना है बेटा इसका, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि माइनस फिफ्टी इज टू द राइट ऑफ माइनस हंड्रेड। क्यों ऐसे बोला है बेटा मैंने, एज माइनस फिफ्टी जो है वो ग्रेटर देन है माइनस हंड्रेड से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, सी पार्ट में कहता है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज माइनस वन, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर माइनस वन है। दोबारा देखो, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज माइनस वन, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर माइनस में देखा जाए ना तो सारे नेगेटिव में माइनस जो वन है वो ही सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होता है, माइनस वालों की बात करें, मैं प्लस वालों की बात नहीं कर रहा। अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो माइनस वन पहला इंटीजर है, बाकी सब इससे छोटे हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज माइनस वन, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज माइनस वन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। डी पार्ट की बात करें, माइनस ट्वेंटी सिक्स इज ग्रेटर देन माइनस ट्वेंटी फाइव, नहीं। देखो मैंने बताया था मैग्नीट्यूड ज़्यादा और माइनस लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू कम, यानी वो छोटा नंबर होगा। मैग्नीट्यूड कम और माइनस लगा हुआ है तो वो मैग्नीट्यूड मतलब वो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड तो 26 का दिख रहा है बड़ा, मैग्नीट्यूड मतलब किससे, वैल्यू साइन को इग्नोर करके, तो 26 बड़ी दिख रही है 25 से, लेकिन माइनस साइन की वजह से क्या हो रहा है कि माइनस साइन की वजह से वैल्यू रिवर्स हो जाती है, तो 25 जो है वो माइनस 26 से क्या है, बड़ा है, और जबकि इसमें क्या बोला है माइनस 26 इज ग्रेटर देन माइनस 25। तो यहाँ लिखेंगे हम फॉल्स स्टेटमेंट, और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, वो होगा माइनस 25 इज ग्रेटर देन माइनस 26। रीजन क्या है, एज माइनस 25 इज ग्रेटर देन माइनस 6, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं हम, ऑन नंबर लाइन पे लिख सकते हैं हम आगे जाके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ मूव करते हैं बेटा। ड्रॉ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग, व्हिच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव फोर नंबर्स टू द राइट ऑफ माइनस टू। तो कह रहा है बेटा अगर हम माइनस टू के राइट में जाएं, नंबर लाइन बना लेते हैं, तो हम कौन से नंबर पे पहुंचेंगे। तो चलिए बेटा यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं इसको, ए पार्ट। तो पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं, यानी माइनस टू तक तो हमारे को बनाना ही है, ठीक है। ये रही हमारी नंबर लाइन, तो यहाँ थोड़ा सा हम क्या बना लेते हैं बेटा, इधर जीरो बना लेते हैं, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे भी वन टू थ्री फोर फाइव, और थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, वन टू थ्री फोर फाइव, अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो नंबरों को, फोर फाइव। अगर हम क्या कह रहे हैं, पहला विच नंबर विल वी रीच, यानी विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव फोर नंबर्स टू द राइट ऑफ माइनस टू। माइनस टू के राइट में अगर हमें जाना है तो पहला एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। तो हम कहाँ पे पहुँचे यहाँ से बेटा, हम तो प्लस टू पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, प्लस का टू, या हम सिंपल टू लिख सकते हैं, ठीक है। मैं टू लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, प्लस टू रहने देता हूँ टू पे, ठीक है।
बी पार्ट की बात करें बेटा, वो कहता है विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव फाइव नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ प्लस वन। अब हमें पहले तो मैं नंबर लाइन बना देता हूँ कि यहाँ पे एरी, तो प्लस वन के हमें फाइव स्टेप क्या करना है, मूव करना है लेफ्ट में। तो ये रहा हमारा जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे देखो बेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, माइनस 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 माइनस। तो हम क्या हैं, मूव करेंगे किधर, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव फाइव नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ वन। ये रहा हमारा वन, तो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप और ये पांच स्टेप। तो हम आ जाएंगे कहाँ पे, यहाँ से अगर लेफ़्ट की तरफ मूव करें, देखो बेटा ये मूव करें हम लेफ़्ट की तरफ और ऊपर वाले में हम क्या करे थे, राइट की तरफ मूव करे थे, ठीक है। तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, माइनस के फोर पे। ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा कह रहे हैं इफ वी आर एट माइनस एट, मान लो कि अगर हम माइनस एट पर हैं, ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच माइनस थर्टीन। तो अगर हम माइनस एट पे हैं, ठीक है, मान लो यहाँ से रहा जीरो, वन टू थ्री, क्योंकि प्लस में तो ज़्यादा है नहीं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, माइनस माइनस माइनस, छोटा सा माइनस लगा देता हूँ बेटा, ठीक है। तो अगर हम कहाँ पे हैं, वी आर एट माइनस एट, हम यहाँ पे, और पहुँचना कहाँ है हमारे को, माइनस थर्टीन पे, तो यहाँ पहुँचना है हमें इधर की तरफ। तो हम किधर को मूव करें, टू दी लेफ्ट, टू दी लेफ्ट, ठीक है, टू दी लेफ्ट को मूव करेंगे। थोड़ा सा यही मैं इसको, इसका जो डी पार्ट है उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। इफ वी आर एट माइनस सिक्स ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच माइनस वन। अब माइनस सिक्स पे हम हैं, इसी को देख लो यहीं से, तो माइनस वन की तरफ मूव करने में हमारे को राइट की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें राइट की तरफ जाना पड़ेगा, तो टू दी राइट साइड, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं साइड करके, ठीक है, टू द राइट साइड, और वहाँ पे पहले वाले में लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये थे आपकी बुक की जो एक्सरसाइज थी 6.1, उसके सभी के सभी क्वेश्चन। कोशिश करी है मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ध्यान रखें और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।